हाय गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। आज हम बात करते हैं बाज पक्षी की जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। बाज एक शिकारी पक्षी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी आंखें कितना मेगापिक्सल होती हैं। लेकिन मेगापिक्सल की बात करने से पहले और इसकी विशेषताओं पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। यह गरुड़ पक्षी से थोड़ा छोटा होता है। इसकी उड़ने की जो रफ्तार है, यानी कि 320 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक हो सकती है। अब इसके जीवन काल की बात करते हैं कि ये जिंदा कितने साल तक रहता है, तो इसका जीवन काल 17 वर्षों का माना गया है। मादा बाज जो है वो नर से बड़ी होती है। यह आसमान का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी ही नहीं, बल्कि जमीन पर जो पक्षी दौड़ते हैं उनमें पक्षियों में सबसे तेज जमीन पर भी दौड़ने वाला पक्षी है। अब हम इसके आंखों के मेगापिक्सल की बात करते हैं, तो इसकी आंखों का मेगापिक्सल इंसान से 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। और आप सभी जानते हैं कि इंसान की आंखों का मेगापिक्सल 576 होता है। अब उससे आप मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग 2800 मेगापिक्सल इसकी आंखों का होता है। यह पक्षी यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं बाज, अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा सभी महाद्वीप पर पाया जाता है। इसका प्रजनन काल की यदि हम बात करते हैं तो 2 से 3 साल में एक बार प्रजनन करता है। यह 3 से 5 अंडे देती है मादा। यदि पूरी दुनिया की बात करें कि बाज कितने प्रजातियों का है, तो बाज 1500 से 2000 प्रजातियों में मिलता है। घुमंतु बाज यानी कि जो हमारे इंडिया में एशिया महाद्वीप में आराम से दिख जाता है, यह जो बाज है UAE संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यदि हम बात करें कि इसकी उड़ने की शक्ति, इसकी उड़ान क्या है, तो ये जो बाज है 6 से 8 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इसीलिए इसको द्वितीय विश्व युद्ध में जब लोगों ने संदेश भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने उन कबूतरों को मारने के लिए बाज का इस्तेमाल किया था। हाँ दोस्तों, यदि हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार हमने देखा कि आसमान पर एक ही जगह पिंक पंख खिलाते हुए कोई पक्षी उड़ता नजर आता है, वो बाज ही होता है। बाज बिना इधर उधर गए हुए एक जगह उड़ते हुए घंटों निकाल सकता है। नीचे जमीन पर अपने जो शिकार है उस पर नज़र टिकाए हुए उसको देखता रहता है, अपना सही बैलेंस बनाता रहता है कि मेरी स्पीड क्या होगी और जो सामने शिकारी दिख रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी दोस्तों, आज के टाइम भी पाकिस्तान में पक्षियों का शिकार करने के बाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब पे आप डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।